हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू अस्सलाम वालेकुम तो गाइस दिन की शुरुआत हो गई है और नए दिन के साथ नया ब्लॉक भी स्टार्ट हो गया है तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर साफ़ सफाई वगैरह चालू है डेली की क्लिनिंग होती है प्लेटफॉर्म की वो मैंने सो कर दी और अभी जो ना मैंने जस्ट आटे का डब्बा निकाला और मेरे को ना आटा उनका लेना है और मैंने देखा कि आटा भी ख़त्म होने को है आटा मैंने जो है ना फ़ौरन ऑर्डर कर लिया था ताकि शाम तक आटा जो है ना चक्की से पिस पिसा कर आ जाए घर पे और यहाँ पर मैंने आटा ले लिया था मैं आटा गूँध रही हूँ और गाइस आज मैं बना रही थी नाश्ते में भिंडी तो सबसे पहले मैंने सोचा कि आटा ही गूँध कर लेते हैं आटा मैं हमेशा जो है ना गूँध कर रखती हूँ थोड़ा रेस्ट देती हूँ उसके बाद में रोटियाँ बनाती हूँ ये ट्रिक तो मुझे पहले से नहीं पता थी क्योंकि रोटी बनाने में इतना इंटरेस्ट था नहीं लेकिन अब आया है तो फिर मैं समझ गई कि आटा कैसा गूंदे और जिससे अपनी रोटी जो है नरम और अच्छी मतलब फूली फूली होए गैस मैंने कल के धुले हुए कपड़े जो है ना यहाँ पर फॉल्ड करके ले लिए क्योंकि वो सूख गए थे और सारे कपड़े मैंने जाके वहाँ रख दिए हैं और फ्रीज से मैंने आज बॉटलें निकाली थी सारी बॉटली जो है ना मुझे क्लीन करनी थी और इनमें जो है ना फ्रेश पानी बना था वैसे तो फ्रेश पानी डेली भरती हूँ क्योंकि पानी तो रोज ही आता है तो रोज बॉटलें खाली होती है और बॉटलें खाली होती है तो इनको भरना भी होता है वैसे तो ऐसा नहीं कि दिन में एक ही बार मैं बॉटलें भरती हूँ भी सुबह में दिन में तीन चार बार बॉटलें भरनी पड़ती है मेरे को और मेरे घर में ना गाइज मटका नहीं है पानी का कितने दिन से बोल रही हूँ मटका लूँगी लेकिन अभी गर्मी आने वाली है आने वाली है क्या आ चुकी है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्योंकि ना बारिश का मौसम अभी भी है एक्चुअली सितंबर एंड में जो है ना बारिश ख़त्म हो जाती है लेकिन अभी अक्टूबर एंड होने को है तो भी बारिश आ रही है माशाल्लाह बोलूं कि क्या बोलूं कुछ समझ नहीं आ रहा है लोग कह रहे हैं यहाँ के मतलब मुंबई के लोग कह रहे हैं कि आसमान का क्लाइमेट खराब है आसमान में कुछ चल रहा है पता नहीं कितने लोग तो हंस रहे हैं कितने लोग कंफ्यूज भी कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है आखिर पता नहीं मुझे भी नहीं पता अगर आपको पता हो तो मुझे बता देना इस चीज़ के लिए कि आखिर अक्टूबर में बारिश हो क्यों रही है और बोलते ये सिलसिला दिसंबर तक चालू रहने वाला है कि दिसंबर तक जो है ना बारिश होने वाली है पता नहीं अब क्या है सब के अलग अलग बातें पता नहीं अब किसकी बातों पे यकीन करे किसकी बातों पे ना यकीन करे अब ये तो वक्त ही बताएगा वैसे कि क्या होने वाला है बस खैर अल्लाह सब पे खैर करे सबकी ज़िंदगी आसान करे सबकी मुश्किलें आसान करें आमीन से आमीन आप सब भी आमीन आमी आमीन बोला करें गैस मैंने यहाँ पर जो है ना आ, अपना हैंड वॉश बॉटल जो है ना क्लीन करके और इसको फुल करके ले लिया है मैंने लिक्विड से इसके डैडी ने ना कुछ नया लेकर आया इस बार हैंड वॉश ये देखिए पहला तो हमारा डेटॉल का हुआ करता था और अभी इस बार उन्होंने ना हिमालय का लेकर आए हैं ऑफ में है खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है वैसे तो है क्लीनर ही क्या फ़र्क पड़ता है कोई भी ब्रांड का ले बस ये काफ़ी है ना कि हम हाथ धो रहे हैं फिर चाहे वो कोई भी ब्रांड का हो कैसा भी लिक्विड हो वगैरह वगैरह चलिए चलिएगा इसी के साथ मैं एक चीज़ और आपको बता देती हूँ कि आपको तो पता ही है मतलब कि पानी मेरे घर पे सुबह में आता है लेकिन कितने मिनट के लिए आता है वो नहीं बताया होगा शायद मैंने या फिर बताया भी होगा मुझे याद नहीं आधे घंटे के लिए पानी आता है लेकिन माशाला सब कुछ फुल करके जाता है मतलब जो जो भी मेरे पास खाली चीज़ें होती है वो सब माशाल्लाह पानी से फुल हो जाती है तो टॉयलेट वॉशरूम में जो है ना मैं पानी छोड़ती हूँ ज़रूरत के हिसाब से ये दोनों चीज़ों में पानी डालना चाहिए एक्स्ट्रा तो बस यहाँ पर टंकी वगैरह सब कुछ फुल हो गई थी सब क्लीनिंग व्लिन करके हो चुका है वैसे तो उस दिन ही मैंने वॉशरूम क्लीन किया था ऊपर से नीचे तक लेकिन टॉयलेट बाकी है ऐसे तो डेली का क्लीन होता है टॉयलेट लेकिन उसको भी डीप क्लीनिंग करना है बाद में करूंगी उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा है मेरे को तो भिंडी निकाली उस दिन मैंने ली थी ना गवार और भिंडी तो मैंने सोचा कि आज भिंडी बनाते गवार तो उस दिन खाए थे तो गाइज़ भिंडी में जो है ना मैं नमक डाल के ले रही हूँ कोई भी सब्जी बना रहे हो ना तो उसको नमक के पानी में एक तो भिगो के रखें ना तो फिर उसको नमक के पानी से फ़ौर क्लीन करके ले लो टाइम हो आ, बनाने का खाना तो फिर नमक के पानी में भिगोने के लिए रखे कोई भी तरह की सब्ज़ी या तो फिर टाइम नहीं है तो फ़ौर उसको धो दे नमक के पानी से तो यहाँ पर बस भिंडी कट करके ले रही थी अच्छा एक सिस्टर ने पूछा था कि मैं भिंडी बहुत मोटी मोटी कट करती हूँ तो नहीं ऐसा नहीं है मैं मीडियम साइज़ रखती हूँ भिंडी की आप देखें ज़्यादा मोटी नहीं है और ना ज़्यादा पतली है पतली पतली इसलिए नहीं कट करती हूँ ना क्योंकि वो फिर वो गिचड़ी हो जाती मिक्स हो जाती भिंडी तो मुझे नहीं ठीक लगती है इसके लिए मैं मीडियम साइज़ रखती हूँ भिंडी को जब भी कट करती हूँ ना तो मीडियम मोटी मोटी कट करती हूँ ठीक है प्याज भी बहुत बारीक चॉप कर ली है हरी मिर्ची भी हरी मिर्ची को मतलब चीरा लगा लिया है एक मिर्ची में दो कर लिए टमाटर एक कट करके ले लिया है गाइस तेल में सबसे पहला जो है ना भिंडी को मैं फ्राई करके ले रही हूँ ताकि इसका जो स्टिकी पना जो होता है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया है मैंने ऐसे तो बिना तेल डाले भी भिंडी को भून सकते हैं उसके बाद में तेल डाल सकते हैं लेकिन मैंने तेल के साथ भिंडी भुना उसके बाद सारी कटी हुई सब्जियाँ ऐड कर ली सब्जियाँ बोले तो वही हरी मिर्ची टमाटर और प्याज भिंडी के साथ जो है ना इन चीज़ों को मैं फ्राई करके ले रही थी मतलब भून के ले रही थी और साथ साथ जो है ना चाय भी बन रही है यहाँ पर आजकल मेरे यहाँ से चाय भी बहुत अच्छी बन रही है इसके डैडी मुझे बोल रहे थे कि चाय अच्छी बन रही है ना बोलते हैं ना कोई चीज़ का जब एक्सपीरियंस आ जाता है जो चीज़ में हम इंटरेस्ट ले लेते हैं ना तो वो चीज़ फिर अच्छी ही बनती है तो वैसे मेरे यहाँ से अभी माशाल्लाह चाय भी आजकल अच्छी ही बन रही है तो मेहमान जो आएंगे वो खुश हो जाएंगे अभी आज मेरे वहाँ जो भी चाय पीने आएगा मतलब गाइज़ मैंने ना उसमें हल्दी जीरा डाल के जो है ना मिक्स करके भिंडी को ना स्लो पे पकने के लिए रख दिया है अच्छा मेरे अम्मी बोलती है ना भिंडी को कभी भी ढक्के नहीं पकाना चाहिए भिंडी येल्लो हो जाती है तो ये बात तो एकदम सही है मैंने भिंडी को वैसे पूरा नहीं ढका था हाफ़ ढका था क्योंकि खुले में चीज़ें नहीं पकानी चाहिए है ना ये तो सबको ही पता होगा कि खुले में रख के चीज़ें नहीं पकानी चाहिए नहीं कुक करना चाहिए इसके लिए हाफ ढका था भिंडी को और साथ साथ जो है ना मैं अभी यहाँ पर मस्त सूखी सूखी रोटियाँ बना रही हूँ बिना पेड़े की मतलब पेड़े में मैंने तेल नहीं लगाया और ना ही तेल मैंने ऊपर से यूज़ किया एकदम सूखी रोटी है तेल मैंने आटा गूंदते वक्त भी नहीं डाला था मैंने सिर्फ नमक और पानी से आटा गूँधा है माशाल्लाह देखिए रोटियाँ कितनी ज़बरदस्त आ रही है गाइस बहुत अच्छा लग रहा है मुझे लगता है मेरा हाथ अब फिक्स हो गया है रोटियाँ बनाने में मतलब जो चीज़ का मुझे एक्सपीरियंस नहीं था जो चीज़ मुझसे अच्छी नहीं बनती थी वो चीज़ माशाल्लाह अब मुझसे अच्छी बनने लग गई है कोई कोई चीज़ों में मैं एक्सपर्ट हूँ थी और हमेशा रहूंगी लेकिन जो चीज मैं एक्सपर्ट नहीं थी माशाल्लाह वो चीज में मैं एक्सपर्ट होने जा रही हूँ तो बहुत खुशी है मुझे तो गाइज यहाँ पर मेरी रोटियां बन के हो गई है सारी रोटियां सीखी हुई मैंने दस्तरखान में रख दी और बस एक प्लेट में रखी हॉटपॉट में इसको बाद में डालूंगी तो गाइज यहाँ पर भिंडी बन चुकी है ये देखिए बिल्कुल भी येल्लो पन नहीं है एकदम ग्रीन ग्रीन सब्जी है और ये पक गई थी मैंने लास्ट में ना मैजिक मसाला डाला इसमें मैगी का मैगी मसाला डाला है ना तो उसे भिंडी जो है ना चटपटी लगी मतलब बहुत और ज्यादा टेस्ट आ गया भिंडी में तो बस ये प्लेट मैंने अपने लिए निकाली थी एक बाइट ये आपके लिए दूसरी बाइट मेरे लिए ऐसे मेरे पास ना मेहंदी रखी हुई थी तो मैंने ना फिंगर पे अपने ऐसी मेहंदी जो है फिल कर ली और थोड़ी देर बाद धो भी दी मैंने मतलब आधा एक घंटा रखा था कलर बहुत अच्छा आया उसके बाद मैं निकल पड़ी थी डिमांड के लिए मैं अकेली ही हूँ क्योंकि मेरी सारा को मैंने ट्यूशन छोड़ा है जोहान उसके डैडी के पास है तो मैंने सोचा कि मैं जाके आती हूँ उसके डैडी को मैंने पूछा कि मैं ज़रा जाके आऊ तो उन्होंने बोला कि हाँ जाओ जल्दी आना तो मैं बोली ठीक है तो फिर बस सारा को छोड़ के जो है मैं फटाफट ऑटो ले ली और अभी मैं डी की तरफ आ चुकी हूँ पहुँच चुकी हूँ डी और अच्छा है कि इस टाइम पर ज़्यादा गर्दी नहीं मिली ये डीमार्ट जो है हमारे यहाँ नया ओपन हुआ है पहला जो डीमार्ट था वो तो अभी भी है लेकिन ये नया डीमार्ट थोड़ा और घर के पास है हमारे तो इसके लिए अब हम लोग जो है ना ये डीमार्ट में आने लगे हैं बहुत सारी चीज़ें हैं बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं और अच्छी है आ, सस्ते में मिलती है बजट में मिलती है खाने पकाने की जो भी चीज़ें हैं और किचन आइटम वगैरह जो कुछ भी है तो फिलहाल मैं आई थी डीमा दही लेने के लिए और दो कंटेनर मे को लेने के है गाइज़ वो लेने के लिए आई थी मैं खास और देखूंगी एक दो चीज़ें साथ में और ले लूँगी वैसे गाइज़ घर से सोच कर ही आई थी कि मेरे को सिर्फ कंटेनर लेने हैं लेकिन मेरा ऐसा है हमेशा से कि मैं जो चीज़ लेने जाती हूँ ना वो तो ले लेती हूँ लेकिन उसके अलावा कुछ चीज़ अच्छी लग जाती है और सस्ती लगती है तो फिर वो भी उठा लेती हूँ तो फिलहाल मैंने यहाँ पर ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था वैसे तो कोई मतलब पब्लिक भी नहीं थी यहाँ पर लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा था बस थोड़ा थोड़ा सा शूट किया तो यहाँ पर बहुत सारे कंटेनर्स थे और ये देखिए डिमांड पूरा खाली है गाइज़ ये सब कंटेनर ना मेरे को बहुत अच्छे लगे थे इस टाइप में मुझे कुछ लेना है तो गाइज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा मुआयना कर ले मैं भी कर रही थी गाइज़ यहाँ पर आप लोग एक बार नजर मार ले कि देखिए कितनी सस्ती सस्ती चीज़ें नाइन्टी नाइन ट्वेंटी नाइन थर्टी नाइन मतलब क्वालिटी बहुत बेस्ट है और चीज़ें देखिए कितनी खूबसूरत और अच्छी लग रही है ना देखिए ये नाइन्टी नाइन रुपीज़ का था अब देखे मुझे जो चाहिए था वो मैंने लिया और जो उसके अलावा जो चीज़ें ली वो मैंने वो ले ली हूँ तो घर जाके मैं बताऊँगी आपको तो चलिए जो लेना था वो ले लिया मैंने अब मैं आपको घर पे जाके बताऊँगी कि आखिर मैंने लिया क्या है दही ले लेते गाइज दही बहुत अच्छी होती है मिल्की मिस्ट की दही है यही यूज़ कर रही हूँ मैं फ़िलहाल कुछ महीनों से और अभी तो मैंने यही ब्रांड की जो है ना चीज़ भी लेनी स्टार्ट कर दी है मिल्की मिस्ट की बड़ा अच्छा टेस्ट होता है दही का क्या चीज़ का क्या काउंटर पे भी ज़्यादा गर्दी नहीं थी बस एक था बंदा उसके पीछे मैं थी और बस फटाफट बिल करके मैं घर पर आ गई अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आके लिया क्या था गैस ये चॉपिंग बोर्ड लिया है मैंने देखे टू नाइनटी नाइन तीन सौ रुपये का मतलब तीन सौ को एक रुपया कम है बड़ा है काफ़ी और मेरे को ना एक चॉपिंग बोर्ड चाहिए था मेरे पास तो वैसे था लेकिन छोटा था आप देख सकते हो ये पुराना वाला है छोटा और ये बड़ा वाला है एक्चुअली वो चॉपिंग बोर्ड भी अच्छा ही है मैं इसको यूज़ ही करूंगी लेकिन एक बड़ा मुझे चॉपिंग बोर्ड चाहिए था इसके अलावा मैंने ना दो कंटेनर लिए हैं बड़े बड़े आ, ये देख सकते हो आप इसमें कि मेरे पास चावल और आटा रखने वाले कंटेनर है दो जो कि मेरे पास ऑलरेडी है कम्प्लीट दो तीन साल से मैं उसको बहुत यूज़ कर रही हूँ तो मैंने ना वही सेम दो कंटेनर लिए हैं वही पैटर्न के आप देख सकते हो लेकिन इतना है कि थोड़ा शेप अलग है मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ नहीं मैं सोच रही हूँ कि मैं आपको बाद में बताओ अभी नहीं बताती हूँ कि ये कंटेनर मैं किस चीज़ के लिए ली हूँ और क्या चीज़ में मैं रखने वाली हूँ फिर इसके अलावा मैंने ना ये कंटेनर लिया था कांच का है ग्लास का मतलब अच्छा लगा था आ, थर्टी नाइन रुपीज़ में और ये देखिए ट्वेंटी नाइन रुपीज़ में मतलब तीस रुपये को एक कम कितनी प्यारी लग रही है ना ये छोटा सा प्लेट और ये एक बाउल है ये मेरे को मिला है फिफ्टी फाइव रुपीज़ में इसके अलावा ना गाइज मैंने देखिए फिफ्टी फाइव रुपीज में ये एक बाउल लिया है ये भी बहुत अच्छा है गिरेगा भी तो नहीं टूटेगा बहुत अच्छा लगा आ, सस्ती सस्ती चीजें ज्यादा महंगी वगैरह नहीं है इसी के साथ ब्लॉग को भी मैंने एंड किया था इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अल्लाह हाफिज बाय